संडे यानी आराम का दिन। अरे देखने सीखने के लिए हफ्ते के बाकी दिन है ना। ये कौन सी गेम है? ये ट्रेन योर पेट गेम है। मुझे भी एक पेट चाहिए, मुझे भी खेलने दो ना। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं प्लीज। सॉरी अमी। ठीक है, अब तो हम एक पेट लाके रहेंगे। हमारे पास नहीं आना चाहता। हाँ, सब हमारा चेहरा देखते ही भाग जाते। रो मत अमी। लो, ये बेर खाओ, हमें जरूर कोई पेट मिल जाएगा। हाँ? मेरे बेर कहाँ गए? ये तो कोई जादुई जीव लगता है। लगता है इसे बेर बहुत ज्यादा पसंद है। उम्मी, हमें हमारा पेट मिल गया। बीनू, शाम शाम बीनू, देखो हमें क्या मिला। उम्मी, ये तुम्हें कहाँ मिला? जंगल में। ये कोई मामूली जानवर नहीं, जादुई जीव है। तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अरे भागो, अब क्या करें? अरे पकड़ो इसे, इससे पहले कि ये और तहलका मचाए। बीनू, वो तो गुरुकुल में जा रहा है। बीनू, रोको उसे। इसे शांत करने के लिए मुझे भी वही करना होगा जो गुरुजी ने उस हाथी के साथ किया था। बीनू गुरुजी की टेक्निक अपना रहा है। बीनू, इसे शांत करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। शाबाश। हाँ हाँ, आ जाओ, ये सारे बेर तुम्हारे लिए ही हैं। गुरुजी, आप? जाओ नन्हे दोस्त, अपने घर जाओ। अप्पा, आप गुस्सा नहीं हो रहे? तो मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ भला? मीना, शाम। मेरे कान। इनो, उन्नी, कहाँ हो तुम सब? टोकरी के नीचे क्या कर रहे हो? अम्मी ने मेरे सारे कलर पेंसिल्स ले लिए। उन्नी, अब रोना बंद करो और बाहर आओ। सॉरी उन्नी, गुरुजी मैं इससे बात करती हूँ। लगता है मीना आ गई। मीना, तुम सब कहाँ थे? कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ओ हेलो मॉम, कैसी हो तुम? वो आज बच्चे कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। हमें रास्ते में गुरु वीटा मिले, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। आपको अभी वीटा गुरुकुल में बुलाया है। ठीक है, जाकर देखता हूँ बात क्या है। हमारे पास पार्टी की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। इट्स पार्टी टाइम। उन्नी, नीचे उतरो। कैसे उतरूं?
मैं जीत गया। पहले नीचे तुम गिरे, इसीलिए तुम नहीं मैं जीती। नहीं, मैं जीता। नहीं, मैं जीती। मैं जीत। सिर्फ सामने वाले की हार में तुम्हारी जीत नहीं होती, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। तुम्हें कुछ समझ आया? समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। ओ बच्चा कंपनी, तुम्हारे छोटे छोटे भेजे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें अभी फिट नहीं आएंगी। बीनू, आज अप्पा का जन्मदिन है और हमें उन्हें एक खास तोहफा देना है। क्या तुम लोग तोहफे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो? हम चाहते हैं कि तुम राका से कलरी के मुकाबले में हार जाओ। क्या? क्योंकि अप्पा ये देखकर बहुत खुश होंगे। कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। शायद गुरुजी की बात काम आ जाए। ठीक है, मगर वो गुरु। अरे अगर मगर छोड़ो, चलो हमारे साथ। चलो अभी। यही कि गुरु पालन ने जानबूझकर मीना की मदद नहीं की, ताकि वो गुरु वीटा मतलब अपने चाचा से मदद ले। बिल्कुल राजकुमारी बाला के कैरेक्टर को और अच्छे से समझ पाएगी और अपने परफॉर्मेंस से आग लगा देगी। क्या सुपर आइडिया निकाला है गुरु जी ने। मैं हूँ राजकुमारी बाला। बचपन से अपने आसपास कलरी पैटू के गौरवपूर्ण खेल देखकर मैं प्रभावित हुई। पिताजी से कहकर रहूंगी कि बेटी कहो, हमें यहाँ क्यों बुलाया? अब डायलॉग बोलो, पब्लिक देख रही है। पिताजी, मुझे आपसे कहना था कि मैं भी कलरी सीखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? तुम राजकुमारी हो और एक राजकुमारी को कलरी सीखने की ना तो जरूरत है और ना ही इजाजत। बात खत्म। मुझे ऐ जादुई पेड़, मैंने अपने पिता से एक चीज मांगी पर उन्होंने मुझे कितनी निर्दयता से मना कर दिया। राजकुमारी, उदास मत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सही कहा तुमने जादुई पेड़, मेरे चाचा जरूर मेरी मदद करेंगे। चाचा जी, मैं बाला आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आओ बाला, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिता मुझे कलरी पयट्टू सीखने से रोक रहे हैं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा और शाम का? तुम दोनों ने अप्पा और वीटा चाचा की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? ताकि तुम गुरु पालन का असली मकसद जान सको मीना। कैसा मकसद? यही कि अगर गुरु कभी थोड़ी सख्ती भी बरतते हैं तो वो इसलिए कि स्टूडेंट और अच्छा प्रदर्शन कर सके, ताकि तुम इस रोल को बेहतर कर पाओ। ओह, तो अप्पा मेरी भलाई के लिए इतना सख्त बर्ताव करते हैं। कड़े अभ्यास के बाद मैं राजकुमारी बाला कलरी में माहिर हो ही गई। अगर मेरे गुरु, मेरे चाचा मेरा साथ नहीं देते और अगर मेरे पिता मुझे इस राह पर नहीं भेजते, इसलिए मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद चाचा जी। वाह मीना, बहुत बहुत अच्छे, वाह। तुम
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी नकल करते हो? वो